કોઈ કોઈ સવાર સમજે લાવો આપ મતાવો આ વાતો તો નિવેદન કામ આવે આપ તો કે જોવું છે કે કે સવાર આપ ઉમે લાવો સર સવાર કરે આવો હા સવાર કરે આવો સવાર કશો इधर की समाधि तो संदेश इधर की समाधि पहले जो यहाँ पर संदेश लोग थे ना उन्हीं की समाधि आप बोलिए। श्री संत नामदेव बाबा जी ने इस दरबार में क्या चमत्कार किया था पूरा इतिहास में आता है सुना देता हूँ सुन लो। जबकि बाबा जी के जमाने की है उनके हाथ लगी वाली चीज है उसमें कोई बदली वाली चीज नहीं है। चक्की को चलाने से यात्रा सफल होती है। हम आपको पूरा इतिहास सुना देते 10 मिनट की बात होती पूरा इतिहास प्यार से सुन लो। एक बार प्यार से बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री संत नामदेव बाबा जी यहाँ पे आने से पहले की बात है इस आश्रम में चक्की और बिजली न होने के कारण यहाँ के सन्यासी लोग चक्की को बैल लगाकर पिसके खाते थे। भगत नामदेव जी यहाँ पे गुरु करने के लिए आए तो ऐसे रूप में आए थे कि वारकरे के रूप में किसी को पता नहीं चला है नामदेव बाबा है। इस दीवार के बाजू में एक शंकर भगवान का बड़ा मंदिर है। वही मंदिर का दरवाजा पुरातन में पूर्व दिशा में था। ही चढ़ती दिशा है उतरती दिशा है। वो मंदिर की उम्र है 5,500-6,000 की उम्र है। श्री कृष्ण भगवान जी के अवतार में मंदिर बनने वाला है। जैसे अपन जमीन पे खड़े वैसा मंदिर जमीन पे खड़ा है। नीचे से न्यूज को फाउंडेशन मंदिर को नहीं है। देखने के लायक मंदिर है पूरा मंदिर देख के जाइए। ऑल इंडिया में ऐसा मंदिर कहाँ बनने वाला भी नहीं है। तो जब भगत नामदेव जी आके पूर्व दिशा के दरवाजे के सामने खड़े होकर भजन कीर्तन सुना रहे उस समय यहाँ का मेला था महाशिवरात्रि का दिन था। लाखों संगत दर्शन के लिए आई थी तो बाबा जी के पास जाकर रुक गई थी। रुकने के कारण वहां के पुजारी लोगों को अच्छा नहीं लगा। बाबा जी को कहने कहां से आए हो छोटे जात के हो नीच जात के हो मंदिर में आने की इजाजत किसने दी आपको मंदिर में रुकना नहीं मंदिर के पीछे जाके खड़े हो जाइए। भगत नामदेव जी को धक्का बुक्की दे के मंदिर के पीछे आकर हकाल देने में शंकर जी के दिल में आया मेरा भक्त 350-400 लंगे पाव से आया है और मेरे दरबार में उनको धक्का बुक्की मिली। इस वजह से बड़ा मंदिर ऑटोमेटिक उनके भक्ति से पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा घूम गया। वो मंदिर की कहावत हर ग्रंथ में लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है जो जो नामा हर गुण उजरे भगत जनों का देवरा। यही कहावत गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। मंदिर घुमाने के बाद शंकर जी नामदेव बाबा को कहते हैं अरे नामदेव आपको क्या चाहिए। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे धक्का बुक्की मिली इसका मुझे दुख नहीं है लेकिन मेरे गरीब लोगों को बहुत अन्याय है उनके तरफ देख। शंकर जी ने चारों तरफ नजर घुमाई। बाबा जी ने सारे भगवान का दर्शन होने के बाद बाबा जी आश्रम में आकर रुके थे। चक्की पे देख लिया सन्यासी लोग पीस के कैसे खाते हो रहे थे तो उनके दिल में भावना उत्पादो मेरे हाथों से कुछ सेवा होना चाहिए। बैल को पिसने नहीं जा रहा था संगत ज्यादा बढ़ गई थी संगत मुक्की जा रही थी। ये बाबा जी को देखा नहीं गया उन्होंने उनके भगवान का नाम लिया विट्ठल भगवान का। कहने लगे इधर भी विट्ठल उधर भी विट्ठल विट्ठल बिना कोई संसार नहीं। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वाला है। उन्होंने उनके भगवान का नाम लिया और चक्की पे हाथ रख दिया। हाथ रखते ही चक्की चलने लगी 3.5 दिन चक्की चलने लगी ऑटोमेटिक उनके भक्ति से। यहाँ पे अनाज था उतना उन्होंने पीस लिया और पका के साधु संतों आने जाने भगत को बाबा जी ने खाना खिला। बाबा जी 5 साल की उम्र में उस समय भगवान ने सब ग्रंथ सिखाई थे ऑल इंडिया की भाषा सिखाई थी बाबा जी को ऑल इंडिया की भाषा आती थी लेकिन वहाँ पे धक्का बुक्की मिलने की वजह से इधर का दिल उठ गया था। सबसे प्यारी भाषा पंजाब की लगने लगी थी बाबा जी इधर का दिल पंजाब की तरफ लग गया। वहाँ का अत्याचार देखा नहीं मालूम हो रहा था ना सुनने मालूम हो रहा था। उन्होंने उनके भगवान का नाम लेके चक्की पे हाथ रख दिया। हाथ रखते ही चक्की चलने लगी 3.5 दिन लगातार चक्की चलने लगी। यहाँ पे आराज था उतना उन्होंने पीस लिया और पका के साधु संतो आने जाने भगत को भगत नामदेव जी ने खाना खिलाया। उसी समय उनका नाम लिखा गया कि उन्होंने आके कुछ चमत्कार करके निकल गए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।